देश की राजनीति ने एक से बढ़कर एक नेताओं को देखा है, करिश्माई राजनेताओं को देखा है, लेकिन अब सियासत की जोड़ी नंबर वन ने जो कर दिखाया है उसके बाद आप ही यही कहेंगे, ऐसा पहली बार हुआ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑनलाइन टीवी, मैं हूं आपके साथ आशिमा त्यागी। साथ अजूबे इस दुनिया में आठवीं अपनी जोड़ी, अरे थोड़े से भाई टूटे ना ये धर्म वीर की जोड़ी। दो हजार चौदह में किसने सोचा था कि बीजेपी को महाविजय मिलेगी। गुजरात से केंद्र की राजनीति में सबसे बड़ी कुर्सी का ख्वाब पूरा हो जाएगा ये भी कहा तय था, लेकिन कहते हैं ना, मोदी है तो मुमकिन है। लेकिन आज राजनीति के सबसे नए इस मुहावरे को थोड़ा बदल देते हैं, मोदी है तो मुमकिन है और साथ में हो शाह तो जरूर मुमकिन है। राजनीति की ये वो चुगलबंदी है जिसमें अनहोनी को होनी कर देने का प्रण है। किसी भी रण में विरोधी को शिकस्त दे दे वो दम है। मोदी और अमित शाह के पॉलिटिकल साथ की कहानी यही साबित करती है। जब देश में राजनीतिज्ञों का एक तबका नरेंद्र मोदी के खिलाफ पत्थर उछाल रहा था, तब उन पर गुजरात दंगों को लेकर आरोपों के पत्थर भी उछाले गए, तब मोदी के लिए शाह हाल की तरह खड़े रहे। फिर आया वो साल जिसने दोस्ती के नए राजनीतिक कमाल को सार्थक होते देखा। 2014 में जब मोदी बीजेपी की ओर से पीएम के उम्मीदवार घोषित किए गए तो बहुत आसान नहीं था ये सोचना कि मोदी को महाविजय मिलेगी। लेकिन सियासत के उस संग्राम में भी मोदी की महाविजय के सारथी अमित शाह ही रहे। 2019 में जब तमाम पॉलिटिकल पंडित बीजेपी की जीत को लेकर आशंका जाहिर कर रहे थे, तब नतीजों ने साबित कर दिया कि मोदी के साथ जब शाह का करिश्मा जुड़ जाता है तो अनहोनी भी होनी हो जाती है। इसलिए आज हम R9 टीवी की स्पेशल रिपोर्ट में देखेंगे भारतीय राजनीति का वो करिश्मा जो है जोड़ी नंबर वन। ब्यूरो रिपोर्ट R9 टीवी। भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी। एक और एक ग्यारह राजनीति की जुबा में बोले तो पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह, सियासत के इन दोनों सिकंदरों ने अपना मुकद्दर खुद बनाया। गजब का तालमेल, गजब की टाइमिंग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहले कार्यकाल से लेकर दूसरे कार्यकाल के तमाम फैसले इसके गवाह भी हैं, और ये फैसले इसलिए भी मुमकिन हुए क्योंकि अगर इन फैसलों के पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजनीतिक इच्छा शक्ति थी तो साथ था शाह का चाणक्य जैसा दिमाग। मुझे आज 5 साल समाप्त होने को आए हैं, मुझे आनंद है कि नरेंद्र मोदी प्रयोग को जनता ने स्वीकारा है। मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं कि फिर से गत चुनाव से भी बड़े बहुमत के साथ नरेंद्र मोदी सरकार फिर से बनने जा रही है। 2019 में आम चुनाव की गर्मी थम चुकी थी, मौका था बीजेपी के अध्यक्ष की प्रेस कॉन्फ्रेंस का और साथ में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अमित शाह का भरोसा साबित करता है कि नतीजे बेशक कुछ दिन बाद आए, लेकिन राजनीति के चाणक्यों को पूरा एतबार था कि इस बार तो जीत मिलेगी। वो जीत 2014 के मुकाबले बड़ी होगी। हुआ भी ऐसा ही,
2019 में प्रचंड बहुमत से दोबारा सत्ता में आई बीजेपी। इस बार मोदी लहर नहीं, मोदी सुनामी थी। ऐसी सुनामी जिसने कांग्रेस को 52 सीटों पर सिमटा दिया। 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 303 सीटें मिली, जो बहुमत के जादुई आंकड़े से बहुत आगे थी। मोदी है तो मुमकिन जरूर हुआ, लेकिन इसे जमीनी स्तर पर मुमकिन बनाया अमित शाह ने। अमित शाह लगातार संगठन को मजबूत करने में जुटे रहे, बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को एकजुट किया और उनमें फिर जोश भरा। रैलियों के जरिए मोदी और शाह ने पूरा देश नाप लिया। इतने अत्याचार और जुर्म और रेगिंग के बाद भी 18 सीटें भारतीय जनता पार्टी। पीएम मोदी ने 145 रैलियां की। पीएम की रैली वाली 109 सीटें बीजेपी ने जीती। अमित शाह ने 137 रैलियां की। शाह की रैली वाली 99 सीटों पर बीजेपी का कब्जा हो गया। यानी मोदी और शाह की जोड़ी 200 से भी ज्यादा सीटों को अकेले दम पर जीतने में कामयाब रही। बाकी जगहों पर भी पोस्टर मोदी का रहा और रणनीति अमित शाह की। राजनीति में सुपरहिट जोड़ी की इससे बड़ी और क्या मिसाल दी जा सकती है। बात 2014 के आम चुनावों की करें तो उसमें भी बीजेपी की करिश्माई जीत के पीछे इसी करिश्माई जोड़ी का हाथ था। R9 टीवी के लिए अनु सिंह की रिपोर्ट। क्या है मोदी और शाह की करिश्माई केमिस्ट्री का राज? R9 टीवी के इस स्पेशल रिपोर्ट में आप देखेंगे 37 साल पुरानी एक रिश्ते की कहानी, जिसके चलते मोदी और शाह है राजनीति के जोड़ी नंबर 1। चंद्रयान 2 की कामयाब लॉन्चिंग के लिए इसरो शाबाशी की हकदार है, तो पिछले 2 हफ्तों में 2 अहम मुद्दों पर फैसले के लिए मोदी और शाह की जोड़ी। एक हफ्ते पहले मोदी और शाह की जोड़ी ने 3 तलाक को एक झटके में इतिहास का पन्ना बना दिया, तो कल आर्टिकल 370 पर वो फैसला लिया जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। देश की आजादी के साथ चले आ रहे एक विवाद का झटके में ऐसा निपटारा किया जिसके लिए आप इस सुपरहिट जोड़ी की जितनी तारीफ करें उतना कम है। ये अमित शाह जैसे दमदार गृह मंत्री का दमखम ही था जिसने 370 जैसे मुश्किल मुद्दे पर इतना बड़ा फैसला लिया। अमित शाह ये फैसला अकेले नहीं ले सकते थे, इसके लिए जब पीएम मोदी ने हरी झंडी दी होगी तभी इसका रास्ता निकला होगा। राजनीति की नंबर 1 जोड़ी के इस करिश्मे ने विरोधियों की बोलती बंद कर दी। ये सभी फैसले मोदी सरकार की दूसरे कार्यकाल की शुरुआत भर है। आगे आगे देखिए ये नंबर 1 जोड़ी और क्या करिश्मा दिखाती है। पीएम मोदी के पहले कार्यकाल के दौरान अमित शाह सरकार में नहीं थे, वो संगठन की जिम्मेदारी निभा रहे थे। उस दौरान भी पीएम मोदी ने कई अहम फैसले लिए। ऐसा तभी मुमकिन हो पाया, मोदी के पास संगठन की चिंता नहीं थी क्योंकि वहां उनके चाणक्य के तौर पर अमित शाह पहले से मौजूद थे। संगठन मजबूत होता है तो इसका असर सीधे सरकार पर दिखता है और मोदी राज पार्ट 1 में भी यही हुआ, चाहे वो नोटबंदी का मामला हो या पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक का या फिर GST का। मोदी ये सारे फैसले तभी ले पाए क्योंकि उनके सामने निश्चित रूप से संगठन का सिर दर्द नहीं था। इसके लिए नेपथ्य में उनकी सारथी कहे जाने वाले अमित शाह अपनी भूमिका निभा रहे थे। सियासत की सुपरहिट जोड़ी राजनीति के क्रिकेट मैच में सेंचुरी पर सेंचुरी जड़ रही है। विरोधी टीम के बल्लेबाज हिट विकेट हो चुके हैं, सो उम्मीद कीजिए कि जोड़ी एक बार फिर नया करिश्मा दिखाएगी और एक बार फिर नया रिकॉर्ड बनेगा। R9 टीवी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। 2014 के चुनावों को याद कीजिए, तब किसने सोचा था कि पीएम नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीजेपी को इतनी शानदार जीत मिलेगी, लेकिन 2019 ने
उस रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया। और सियासी महाभारत में अगर पीएम नरेंद्र मोदी अर्जुन की तरह लड़ रहे थे तो वहीं अमित शाह कृष्ण की तरह सारथी के रोल में थे। सियासत के दो धुरंधर, इस जोड़ी का तोड़ नहीं, मोदी है तो मुमकिन है, ये जोड़ी है तो जीत है। सियासत के जय वीरू का रिश्ता है सालों पुराना। साल 2014 में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद देश को नए प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी मिले तो बीजेपी को अमित शाह के रूप में नए पार्टी अध्यक्ष। प्रधानमंत्री मोदी ने 5 साल देश चलाया तो अमित शाह ने पार्टी का दायित्व बखूबी निभाया। इस बीच कई चुनाव हुए और बीजेपी की जीत का सिलसिला जारी रहा। पार्टी की हर कामयाबी ने इस जोड़ी को सुपरहिट बनाया और सियासी जंग में ये जोड़ी नंबर 1 बनती चली गई। पार्टी की जीत का सिलसिला जारी रहा और साल 2019 में इस जोड़ी ने अच्छे अच्छे सियासी पंडितों के बात को गलत साबित कर एक बार फिर से प्रचंड बहुमत से सत्ता में वापसी की, जिसके बाद शाह मोदी की जोड़ी को जीत की गारंटी माना जाने लगा। नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी केंद्र की राजनीति में पिछले 6 साल से सक्रिय है, लेकिन दोनों की पहचान करीब 37 साल पुरानी है। सियासत के इन दो धुरंधरों की जोड़ी को लोग जय वीरू की जोड़ी कहने लगे हैं, जिन्होंने अपनी सियासी समझ से हर किसी को हैरान किया है, फिर चाहे वो कोई नेता हो या अभिनेता, देश की जनता हो या फिर विदेशी मीडिया, ये जोड़ी हर जगह सुपरहिट रही है। प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह की मुलाकात पहली बार साल 1982 में हुई थी। प्रधानमंत्री मोदी तब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक थे। संघ की एक शाखा में नरेंद्र मोदी की पहचान अमित शाह से हुई थी। उस वक्त अमित शाह का ताल्लुक बिजनेस से था। 1983 से 1986 तक अमित शाह विद्यार्थी परिषद में रहे, फिर साल 1984 से 1985 में शाह ने बीजेपी की सदस्यता ली। कभी बीजेपी के बड़े लीडर के लिए पोस्टर चिपकाने वाले अमित शाह आज खुद बीजेपी के पोस्टर बॉय बन चुके हैं। मोदी शाह की 37 साल पुरानी इस जोड़ी ने कई उतार चढ़ाव देखे हैं, फिर चाहे गुजरात दंगों के वक्त मोदी के साथ खड़े रहने की बात हो या गुजरात से लेकर दिल्ली तक का सफर, ये जोड़ी हमेशा साथ रही है। शाह अगर पीएम मोदी के चाणक्य हैं तो मोदी वो चेहरा है जिस पर देश भरोसा करता है। हर गुजरते दिन के साथ ये जोड़ी जीत की गारंटी बनती जा रही है। अगर मोदी कुछ करने की ठान ले तो अमित शाह उनके विचारों को धरातल पर उतार देते हैं। दिमाग और ताकत की इस जोड़ी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कांग्रेस मुक्त भारत के सपने को काफी हद तक पूरा कर दिखाया है और देश को भगवा झंडे से रंग डाला है। सियासत की सुपरहिट इस जोड़ी में कमाल की केमिस्ट्री देखने को मिलती है। ऐसा नहीं कि जब मोदी और शाह मिलते हों तो उनके बीच अनौपचारिक बातचीत नहीं होती होगी, लेकिन औपचारिक मौकों पर शाह हमेशा मोदी की वरिष्ठता का वो तकाजा याद रखते हैं। जब राज्यसभा में इस बार कश्मीर पर बिल पास हुआ तो शाह पर मोदी का ये भरोसा साफ तौर पर नजर आया। तब मोदी अपनी सीट से उठकर शाह के पास गए। शाह ने अपनी सीट से खड़े होकर मोदी का अभिवादन किया और मोदी ने उनकी पीठ थपथपाई। आज इसी केमिस्ट्री का कमाल है कि आर्टिकल 370 हो या फिर 3 तलाक, चाहे कोई भी फैसला हो, आप भरोसे के साथ कह सकते हैं कि ये जोड़ी सुपरहिट है। R9 टीवी के लिए श्वेता भट्टाचार्य की रिपोर्ट। इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में बस इतना ही। R9 टीवी पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।